चैप्टर थर्ड रेलवेज। रेलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेलवेज। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग देखेंगे बेटा, ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है, चैप्टर का नाम ही क्या है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का मीनिंग होता है द ट्रंक ड्रेनेज डिस्क्राइब द ड्रेनेज, द ट्रंक ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि जो एक एरिया के अंदर रिवर सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रवाह एक एरिया के अंदर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन कौन सी रिवर बहती है बेटा, उन रिवर को भी उन रिवर के फ्लो करने वाला जो सिस्टम होता है एक एरिया में कौन कौन सी रिवर ड्रेन करती है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर उस एरिया से ड्रेन का मतलब यहाँ पर जनरली आपको फ्लो कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज। इन दी फर्स्ट पैराग्राफ देयर आर गिवन थ्री डेफिनेशन दी गई है एंड द सेकंड इज ड्रेन बेसिन, सेकंड इज ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मीनिंग क्या करता, ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, द एरिया दैट आर ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम या बाय ए सिंगल रिवर। तो यहां पर देखिए बता दो यहां पर यानी कि ड्रेनेज बेसिन का मीनिंग क्या हुआ, दी एरिया दैट आर ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर, यानी कि वो एरिया जो एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रेन बेसिन, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। अब रिवर के बारे में हम लोग जानेंगे बेटा, यहाँ पर इंडियन रिवर्स के बारे में मेन टॉपिक रहेगा हमारा। वी हैव टू बी स्टडी हेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर, वी हैव टू बी कैटेगराइज द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुला रिवर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि एक एरिया में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं साउथर्न रिवर की, नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी, ऑल ऑफ दीज रिवर आर कॉल्ड पेनिनसुला रिवर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द साउथर्न रिवर ऑफ इंडिया। यू हैव स्टडी अबाउट द हिमालयन रिवर, द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस रिवर सिस्टम। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज। ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है, ड्रेनेज का मीनिंग है यानी कि जो रिवर सिस्टम होता है एरिया का कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन यानी कि जो एरिया एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है, यानी कि इस एरिया में से वो रिवर फ्लो करती है, कौन कौन से एरिया को ड्रेन करती है वो एरिया, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। एंड द नेक्स्ट इज वॉटर डिवाइड एंड द थर्ड ट्रम इज वॉटर डिवाइड, वोटर डिवाइड, वोटर डिवाइड हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक, वोटर डिवाइड का मतलब होता है जल विभाजक। एनी अपलैंड माउंटेन दैट सेपरेट टू बेसिस, सेपरेट टू बेसी, यानी कि जब कोई भी उठा हुआ भूमि का भाग अपलैंड होती है, मान लीजिए कि पानी फ्लो करता है और पानी फ्लो करते समय उसके रास्ते में कोई अपलैंड आ जाती है, कोई माउंटेन आ जाता है, कोई पहाड़ आ जाता है, ठीक है, वो क्या करता है पानी की डायरेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सोर्स ए सोर्स बी, दैट इज कॉल्ड वॉटर डिवाइड, उसे हम लोग वॉटर डिवाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्बाला इज ऑल्सो ए वॉटर डिवाइड, अम्बाला हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, इट इज ऑल्सो ए वॉटर डिवाइड, ये वॉटर डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वॉटर डिवाइड का मीनिंग, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें रिवर फ्लो करती है अपर पार्ट से, अपर पार्ट से फ्लो करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि फ्लो करने के बाद रिवर आई और ऊपर से ये अपर पार्ट हमने बना दिया, यहाँ पर उठा हुआ भाग भूमि का, ठीक है, ये वाला पार्ट अपर पार्ट है हमारा,
जब रिवर फ्लो करेगी ऊपर से पानी जब आएगा बेटा, तो ये पानी दो डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, कुछ पानी इधर आएगा कुछ पानी इधर आएगा, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये बेसिन ए कह सकते आप इसे, बेसिन ए, और ये इधर बेसिन बी, दैट इज कॉल्ड वॉटर डिवाइड। वॉटर डिवाइड का मतलब होता है जल विभाजन, यानी कि जल का दो डायरेक्शन में बढ़ जाना, जल का अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना, दैट इज कॉल्ड वॉटर डिवाइड। इसी को वॉटर डिवाइड करें। जनरल सी बात है, अब पानी को हम ऊपर से छोड़ देते हैं और मैं बीच में कोई डिवाइडर लगा देता हूँ, तो पानी क्या होगा, इधर से भी पानी आएगा इधर से भी पानी आएगा, हो गए ना दो बेसिन, जो इसे कहते हैं हम लोग वॉटर डिवाइड। इन दी फर्स्ट पैराग्राफ देयर आर मेनी थ्री टर्म्स हैव टू बी गिवन, दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स। द क्वेश्चन इज गिवन हियर, द टर्म डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, द एरिया दैट आर ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर, यू कैन से दैट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर, यानी कि वो एरिया जो एक रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता था, जो एक ही रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉटर डिवाइड, एनी अपलैंड माउंटेन दैट सेपरेट टू बेसिन दैट इज कॉल्ड वॉटर डिवाइड। इसे हम लोग बोलते हैं जल विभाजन, यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते बेटा माउंटेन के सोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वहां से क्या होता है, जब रिवर फ्लो करती है तो उसका पानी कई बार दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है, जब कोई डिवाइडर आ जाता है, जब कोई माउंटेन्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉटर डिवाइड। अम्बाला इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर डिवाइड, अम्बाला भी हम वॉटर डिवाइड का एक एग्जाम्पल मान देखा, क्योंकि अम्बाला भी जो दो रिवर्स है दो रिवर्स को सेपरेट कर देता है, दो अलग अलग बेसिन बनाता है ऐसे। उसके बाद इसमें डू यू नो आई एम का डू यू नो मे द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज एमेजोन रिवर, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर का था, एमेजोन रिवर, कौन सी रिवर का है, एमेजोन रिवर, एमेजोन रिवर का है। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, गंगा रिवर, विच रिवर, गंगा रिवर, गंगा रिवर, गंगा रिवर फ्लो करती होगा। वैसे तो जब हम लेंथ की बात करेंगे इंडस नदी की लेंथ आएगी 2900, लेकिन इंडस नदी का ज्यादा पार्ट पाकिस्तान में फ्लो करता था, इंडिया में इसका बहुत तो फ्लो करता है, और वाटर भी हम लोग केवल 20% जनरली यूज कर पाते बेटा, कौन सी रिवर का पानी, गंगा, जो इंडस नदी है, लेकिन गंगा नदी बेटा फ्लो करती है लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, तो सबसे बड़ा बेसिन भी किसका बनता है, गंगा नदी का। और साउथर्न रिवर में सबसे लोएस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर इज द लोएस्ट रिवर ऑफ द साउथर्न रिवर। जैसे हम कैटेगराइज में कैटेगरी बनाएंगे अलग अलग, तो उसमें साउथर्न, अगर हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं या पेनिनसुला पार्ट की नदियों की बात करते हैं, गोदावरी इज द लार्जेस्ट, सो वी हैव टू बी कॉल्ड दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग, गंगा भारत की, गोदावरी दक्षिण भारत की, सो वी कैन से दैट इज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, ये याद रखना बेटा, गोदावरी और गंगा देखो दोनों के नाम सिमिलर है, गंगा तो पूरे भारत की होगी सबसे लंबी नदी, ठीक है। और अगर हम साउथर्न इंडिया पेनिनसुला प्लेटू की बात करें, पेनिनसुला रिवर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे लंबेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी, इट इज आल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इसे, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी रिवर को। सो दिस टॉपिक इज मेनली फोकस ऑन रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया, यहाँ पर बेटा रिवर सिस्टम के बारे में रहेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं, रिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर चलेंगे अब पढ़ेंगे हम इसके ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए इसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया थ्री डेफिनेशन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, तीनों में से एक डेफिनेशन 100% आपकी आप लोगों की। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं वॉटर डिवाइड का, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर कि एग्जाम्पल अम्बाला, अम्बाला इज आल्सो वॉटर डिवाइड, आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में भी आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स द ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन एंड वॉटर डिवाइड। एंड द नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इन इंडिया, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया दैट वी हैव टू बी कैटेगराइज इन ग्रुप, देयर आर मेनली टू ग्रुप, तो दो ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ एन इंडिया, वी हैव टू बी ग्रुप ओनली टू ग्रुप, द फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर,
दी हिमालयन रिवर। बस कौन सी रिवर होगा हमारी? हिमालय रिवर। देखिए हिमालय रिवर की मेन फीचर क्या है, दीज रिवर्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ज्यादातर रिवर हमारी ये तीनों रिवर, थ्री रिवर्स अहिता, ये रिवर्स हमारी हिमालय से राइज होती है, हिमालय से निकलती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड पर्वतीय रिवर्स, इनको हम सदा निरंतर रिवर कहते हैं, बिकॉज दीज रिवर फ्लो थ्रू ऑफ द ईयर्स, पूरा साल बहती है ये रिवर्स। कौन कौन सी रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। देयर आर मेनली थ्री रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालय रिवर। द फर्स्ट इज इंडस, इंडस रिवर सिस्टम। सेकेंड इज गंगा, गंगा रिवर सिस्टम। थर्ड इज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये थ्री रिवर सिस्टम का इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर में। गंगा रिवर के बारे में यहाँ पर आपको इंडस के बारे में पहले पढ़ेंगे, इंडस रिवर कहाँ से जुड़ी होती है, कैसे लोगों का गिरदा, एक ट्रीटी भी हुई थी हमारे इंडिया और पाकिस्तान की जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी दैट वाज इन प्लेस इन 1960 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया कैन यूज ओनली 20% वाटर ओनली, इंडिया केवल 20% जल यूज कर सकता था। दिस वॉटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन इन हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब में इरिगेशन के लिए जल यूज किया करता। इंडस वॉटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर 1960। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया ओनली यूज 20% ऑफ इंडस वॉटर, इंडस नदी का जल 20% यूज कर सकता था इंडिया इस संधि के अकॉर्डिंग, इस समझौते के अकॉर्डिंग था। तो ये थी हमारी इसमें हिमालय, हिमालय रिवर के लिए था, हिमालय रिवर समझौता होता था एक पाकिस्तान के साथ ही हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी के जल को लेकर बात किया था, पानी को रोक दिया था। तो लेकिन बाद में ये डिस्प्यूट है, ये शुरू हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से, इसके अकॉर्डिंग हमें 20% जल मिला इंडस नदी का, क्योंकि इंडिया में कम फ्लो करके बताइए, जबकि पाकिस्तान के अधिकतर पार्ट्स में ज्यादातर फ्लो है इसका। मैप देखेंगे तो मैप में भी दोनों को करेंगे। एंड द सेकंड कैटेगरी इज दी पेनिनसुला रिवर, दी पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला रिवर। हिमालयन रिवर इज आल्सो कॉल्ड दी नॉर्थन रिवर, हिमालयन रिवर इज आल्सो कॉल्ड दी नॉर्थन रिवर, हिमालय रिवर को नॉर्थन रिवर्स भी कहते हैं। और ये जो पेनिनसुला रिवर है दीज आर आल्सो कॉल्ड साउदर्न रिवर ऑफ इंडिया, साउदर्न रिवर ऑफ इंडिया, इन्हें दक्षिण भारत की नदियां भी कहा जाता है। ठीक है, यू कैन से मोस्ट ऑफ दी पेनिनसुला रिवर्स आर सीजनल रिवर, अधिकतर जो रिवर है हमारी वो कैसे रिवर है? सीजनल रिवर है। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग फ्लो करती है ये। इन रेनी सीजन देयर इज आल्सो वाटर, बट इन ड्राई सीजन दे हैव टू बी नो वाटर। रेनी सीजन में तो पानी रहता है यहाँ पर, लेकिन जब बेटा रेनी सीजन समाप्त हो जाता है, यानी कि जब शुष्क मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो इनका पानी भी सूख जाता है। अधिकतर रिवर कैसे है बेटा? सीजनल रिवर है। सबसे मेन फीचर ये है इसकी, मोस्ट ऑफ दी पेनिनसुला रिवर्स आर सीजनल रिवर। हिमालय रिवर रेगुलर रिवर्स है, बिकॉज दे आर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरा साल उनमें पानी रहता है, तो कभी भी नहीं सूखती। लेकिन ये जो रिवर्स होती है हमारी, ठीक है ना, इनमें पानी नहीं रहता है, सूख जाती है, पूरा साल इनमें पानी नहीं रहता। ठीक है, ये सीजनल है, नेचर में सीजनल कह सकते हैं आप लोग इनको। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, ऑल ऑफ दीज रिवर आर इंक्लूडेड इन पेनिनसुला रिवर। Here we have to study about the detail about all of these rivers. इन सभी रिवर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, जितनी भी रिवर्स दी गई है कम्प्लीटली। यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है। We are talking about all of these rivers. These rivers are called the southern rivers. Southern India की रिवर के नाम से इनको जाना जाता था। These are also called peninsula river because most of these rivers are also originate from the पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू। ज्यादातर इसमें देखना था आप लोग, ज्यादातर रिवर हमारी एमपी से, एमपी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ज्यादातर जो हिमालय रिवर राइज होती है हमारी हिमालय डीजल से, ज्यादातर इसमें मानसरोवर लेक, तिब्बत, गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, आप लोग जानते हैं सभी रिवर्स के ओरिजिन प्लेस के बारे में था, कहाँ से राइज होती है, कैसे फ्लो करती है, किन किन एरियाज को ड्रेन करती है। ड्रेन का मतलब किन किन एरिया में फ्लो करती है रिवर्स,
तो 20 चैप्टर्स के अंदर तक टॉपिक रहेगा अपना डिटेल, यानी कि रिवर्स सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। 20 चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दी बोर्ड पैटर्न से चैप्टर डिलीट कर दिया गया, बट यू आर एमबीएससी स्टूडेंट सो यू हैव टू बी रीड ओनली फॉर एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को पढ़ना बेटा इसमें, बाकी कोई डिटेल पॉइंट्स नहीं है इसमें, डिटेल क्वेश्चन नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ इसमें आप लोगों को करना है बोर्ड के लिए सिर्फ मैथ वर्क करना है। इसमें आप लोगों को ड्रेनेज वाला जो चैप्टर रहेगा काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। यू कैन से रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ दिस रिवर दैट आर फ्लो इन इंडिया। वी हैव कैटेगराइज्ड द हिमालय रिवर, हिमालय रिवर इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ रिवर। हिमालय से जो रिवर, हिमालय कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ में आता है, सो वी कैन से दैट हिमालय रिवर आर द नॉर्थ रिवर। एंड द नेक्स्ट इज द पेनिनसुला रिवर, इट इज आल्सो कॉल्ड द साउथ रिवर। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वी हैव डिटेल स्टडी हियर अबाउट बोथ ऑफ दीज रिवर। हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे था इन सभी रिवर्स के बारे में, रिवर सिस्टम्स के बारे में, कौन कौन सी रिवर इंडिया में फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, क्या सिस्टम है रिवर सिस्टम का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें पेनिनसुला रिवर्स और हिमालय रिवर्स, यही टॉपिक रहेगा हमारा डिटेल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। ये एंड टीएससी के लिए आप लोगों को इसमें से इंटरनल क्वेश्चन फाइंड आउट करने, तो मैं आप लोगों को इंटरनल क्वेश्चन करा देता हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज आप लोगों का दिया गया, देयर आर मेनली थ्री डेफिनेशन। द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ ड्रेनेज, मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। सेकंड इज ड्रेनेज बेसिन, यू हैव टू बी आउटलाइन दिस। एंड द थर्ड इज वॉटर डिवाइड, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज एमेजॉन रिवर। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, गंगा रिवर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर थ्री कह सकते हो आप लोग बेटा। उसके बाद जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप। तो इंडियन रिवर को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड करता, द हिमालय रिवर एंड द पेनिनसुला रिवर। तो ये दो ग्रुप बने हुए थे, द हिमालय रिवर एंड द पेनिनसुला रिवर। तो यहीं से डिटेल स्टडी स्टार्ट होती है सभी रिवर्स के बारे में, कौन कौन से रिवर का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो दिया गया था इसमें एक चीज और आप लोग देखे, इसमें रिवर्स की जो फीचर्स होती है, जो रिवर्स होती है बेटा उनके बारे में जो फीचर्स होती है, यानी कि कोई भी जो रिवर होती है बेटा वो कहाँ से फ्लो करती है, क्या उसकी फीचर होती है। देखो हम ज्यादातर आप लोग मानते हैं कि ज्यादातर जो रिवर्स हम मार्केट से ओरिजिनेट होती है या अपर पार्ट ऑफ लैंड से ज्यादातर राइस होती है बेटा, तो उसकी जो फ्लो करते हैं तो उस एरियाज को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां से रिवर्स ओरिजिन होती है बेटा, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अपर कोर्स, अपर कोर्स कहते हैं। उसके बाद जब वो बैठती है मिडल में आ जाती है, ठीक है, उसे हम लोग मिडल कोर्स, मिडल कोर्स कहते हैं। मिडल कोर्स में मिनिएंडर बनते हैं, मिनिएंडर, ठीक है, मिनिएंडर इज द मेन फीचर ऑफ मिडल कोर्स। और जब वे लोअर कोर्स में जाते हैं बेटा, ऑक्स बो लेक एंड डेल्टा, दीज आर दी मेन फीचर, ये मेन फीचर रहती है हमारी। देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये अपर पार्ट है इसमें, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये अपर कोर्स है, मान लीजिए ये वाला पार्ट अपर कोर्स में हम लोग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ये मिडिल कोर्स में आ जाता है, ये नीचे वाला जो पार्ट था ये ऊपर से राइस, ये जो अपर कोर्स है, देखिए अपर कोर्स, अपर कोर्स ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि ऊपर वाले भागों में से क्या होती है, सोर्स ऑफ रिवर, रिवर राइस होती है, ये रिवर का सोर्स होता है। नदियां निकलती हैं तो वो ऊंचे पहाड़ों से, पर्वतों से, झरनों से, ऊपर से आएंगी ज्यादातर। तो ये अपर कोर्स की मेन फीचर क्या है कि यहाँ से नदियां निकलती हैं, फिर वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना, जब वो फ्लो करते हैं, फ्लो करते हुए जब वो आती है तो ये नीचे वाले कोर्स, कोर्स, ठीक है, उसके बाद बेटा ये फ्लो करने के बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती है, इसी तरीके से बेटा ये फ्लो करती रहती है रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फैलाव ज्यादा हो जाता है रिवर्स का, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए मिनिएंडर, ये फीचर है मिनिएंडर का, ये कौन सा कोर्स है, मिडल कोर्स, मिडल कोर्स की फीचर का मिनिएंडर, यानी कि जो मिनिएंडर बनेगा ये वाला पार्ट है रिवर का जो थोड़ा सा फैल जाता है इधर आने के बाद, मिनिएंडर कहते हैं, मिनिएंडर इज द मेन फीचर ऑफ
मिडल कोर्स की जो मेन फीचर बेटा वो क्या है, वो मिनेंडर है। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं लोग लोअर कोर्सेज। लोअर कोर्सेज यानी कि नीचे वाला जो भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है। इससे देखेंगे आप लोग जो वीडियो फ्लो करेगी, वीडियो फ्लो करने के बाद यहाँ पर एक सेपरेट लेन बना दिया, सेपरेट लेन जिसे हम लोग कोर्स फ्लो ले कहते हैं। और नीचे आने के बाद जब वो प्लेन में आ जाती है, प्लेन में आने के बाद एक ऐसे अगर हम बात करें तो डेल्टा का निर्माण करती है। सुना आपने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये नाम सुने बेटा, तो डेल्टा का निर्माण कर देती है जब समतल भाग में आ जाती है, प्लेन में आ जाती है। तो दैट आर दी मेन फीचर ऑफ दी रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया से जो रिवर सिस्टम फ्लो कर देगा, राइस, राइस यहाँ से होती है अपर कोर्स में, तो रिवर सोर्स ऑफ रिवर, रिवर का सोर्स कहाँ आ गई, कहाँ से रिवर निकली, ग्लेशियर हो सकता है, माउंटेन हो सकती है। ठीक है, तो पहाड़ों से ज्यादातर रिवर हमारी फ्लो करती है, राइस होती है, तो ये अपर कोर्सेज में आ जाता है। उसके बाद मिडल कोर्स की जो मेन फीचर है मिलीमीटर है, वो मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब है यानी कि जब मिडल कोर्स में रिवर फ्लो करती हुई प्रवेश करती है तब उससे पहले वो फैल जाती है वही पर चारों तरफ। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर पार्ट है ये प्रवेश करने से पहले बनेगा बेटा मिलीमीटर। और ये ऑक्स बो लेन, ये किसकी फीचर है, ऑक्स बो लेन, ये जो लेक थी ना पहले जुड़ी हुई थी आपस में, ये जो लेक है ये पहले इसी का पार्ट थी, ऐसे धीरे धीरे ये अलग होगी, सेपरेट होगी और एक अलग सेपरेट लेक होगी, धीरे धीरे अलग होगी काफी दिन से। ठीक है ना, तो ये एक लेक बनी जिसे हम ऑक्स बो लेक के नाम से जानते हैं। दैट आर द मेन फीचर ऑफ दिस रिवर सिस्टम। ये किसकी मेन फीचर है बेटा, कौन से कोर्स की, लोअर कोर्सेज की। लोअर कोर्सेज की दो मेन फीचर आपको याद रखें, ऑक्सबो लेक एंड डेल्टा। डेल्टा बनेगा जब लेक पार्ट में आएगी ना तो रिवर फ्लो कर देगी, वहां पर डेल्टा का निर्माण कर देगा। तो दीज आर दी मेन फीचर ऑफ लोअर कोर्सेज। अपर कोर्सेज में याद रखें, अपर कोर्सेज की मेन फीचर क्या था, सोर्स ऑफ रिवर, रिवर राइज होती है यहाँ से, जरा ये याद रखें। मिडल कोर्स में जब रिवर फ्लो करती है दैट इज द मेन फीचर मिनीएंडर, तो इसकी मेन फीचर होती है मिनीएंडर। और आगे अगर हम बात करें तो लोअर कोर्सेज की मेन फीचर क्या है, दैट इज डेल्टा, दैट इज डेल्टा एंड ऑक्स बो लेक, दीज आर द मेन फीचर ऑफ लोअर कोर्सेज। लोअर कोर्सेज में दो फीचर है, अपर में तो रिवर सोर्स है, वहां से नदियां निकलेंगी भाई, पहाड़ों से, पर्वतों से। ठीक है ना, और मिडल में आएगी तो मिडल में मिनीएंडर बनाएंगे का, और जब लोअर कोर्सेज में आती है तो वहां पर क्या बनाती है, ऑक्स बो लेक, ऑक्स बो लेक। और नीचे आने के बाद प्लेन में क्या बनेगा बेटा, डेल्टा बनेगा। दीज आर दी मेन फीचर ऑफ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, ये रिवर की मेन फीचर रहती है। कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार होता है ये अपर कोर्सेज में मिडल कोर्सेज की फीचर क्या है या लोअर कोर्सेज की फीचर क्या है एडीएससी स्टूडेंट्स के लिए, या कई बार ये भी ले लेते हैं जैसे लेक लेनी, तो इसको यहाँ पर एरो लगा के कहेंगे राइट दिस नेम, दिस टाइप ऑफ दिस लेक, लेक का नाम कहेंगे तो दैट इज ऑक्स बो लेक। ऑक्स बो लेक करता है तो आप लोगों को याद रखने में अपर कोर्सेज में सोर्स ऑफ रिवर, मिडिल कोर्सेज की फीचर मिनीएंडर एंड लोअर कोर्सेज की फीचर क्या होता है इसमें डेल्टा एंड ऑक्स बो लेक। ऑक्स बो लेक इज द मेन फीचर ऑफ दी लोअर कोर्सेज, यानी कि जो ऑक्स बो लेक बनेगी ना बेटा वो लोअर कोर्सेज में बनेगी, नीचे वाले पार्ट्स में जब हर वैगर फ्लो करती है ना प्लेन में एंटर करने से पहले, दैट दे हैव टू बी कॉल्ड ऑक्स बो लेक, उनके द्वारा ऑक्स बो लेक बनाई जाती है, दैट इज द मेन फीचर। एक पैटर्न की हम बात करते हैं, यहाँ पर पैटर्न के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आप लोग जानते हैं देयर आर मेनली फोर पैटर्न, फोर पैटर्न यहाँ पर जनरेट होते हैं। इसमें सबसे पहले डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न, तो ये चार पैटर्न होता है, हमारे चार पैटर्न के बीच आपको डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो ये चार पैटर्न कौन कौन से, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता ही आता है 100% याद करिए। आता अपना जो एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिजेंबल ए ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि वो कौन सा डेल्टा है। मैंने आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल वर्क दिया था इस चैप्टर का, उसको ध्यान से देखना बेटा आप लोग, इसमें बिल्कुल हर टॉपिक को प्रैक्टिकल वर्क में उसमें सारी चीजें दिखाई गई वन बाय वन, और उसको समझाने का प्रयास किया गया। यदि उसको आप देखते हैं तो उसमें जितनी भी टर्म्स आप लोगों को दी गई है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी टर्म्स डिफाइन की गई है, उन टर्म्स को आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें। तो ये जो पैटर्न है, सबसे पहला जो ब्रांच की तरह शाखाओं की तरह मिलता, देखिए इसमें डेंड्रिटिक पैटर्न के बारे में, सबसे पहले दी डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप वेयर दी रिवर चैनल फ्लो दी स्लोप ऑफ दी टेरियन, दी स्ट्रीम विच इज ट्रिब्यूटरी रिजेंबल दी ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो ये देखिए इसमें क्या, यानी कि जब एक रिवर होती है, ठीक है, उसकी जब स्ट्रीम होती है, जो अलग अलग जलधाराएं होती है, वो पेड़ की पत्तों की शाखाओं की तरह फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड डेंड्रिटिक पैटर्न। क्या कहेंगे इसे हम लोग,
डेंड्रिटिक पैटर्न बेटा, सबसे इंपोर्टेंट पैटर्न रहता है ये हमारा, यानी कि इसमें जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पत्तों की शाखाएं फैल जाती है, ठीक है। देखो आपने पत्तों के ऊपर भी कई बार जो पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं फैल जाती है इधर से उधर, यानी कि मेन रिवर में से जब छोटी छोटी स्ट्रीम्स अपीयर होना शुरू हो जाती है, तो जब उसकी आकृति बनती है वो किसकी तरह रिजेंबल करती है, यानी कि जो एक पेड़ की ब्रांचेज होती है उसकी क्रमोलोकिंग वे पे दिखाई देती होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है डेंड्रिटिक पैटर्न वाला, पैटर्न एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यू बुक में, जो पैटर्न देने की बंद कर देता पुराने बुक में दिए गए चार पैटर्न हमारे यूनिवर्स के। द सेकेंड इज ए रिवर ज्वाइन बाय इट्स ट्रिब्यूटरी एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल डेवलप ए टेलिस पैटर्न। ये देखिए अब इसमें एक टेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हियर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। कहते हैं कि जो टेलिस पैटर्न होता है वहीं पर डेवलप होता है जहां होता हार्ड रॉक पाई जाती है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पैरेलल एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है जब वो एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती है वहीं पर जो हमारा सेकेंड पैटर्न है दैट इज द टेलिस पैटर्न वो डेवलप हो सकता है इसमें। एंड द थर्ड इज ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होने डेवलप होने स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट टोपी टैगल। तो इसमें देखिए बड़ा थर्ड पैटर्न है, इसमें रेक्टेंगुलर ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होने स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटली रोकी टैगल ज्वाइंट स्ट्रॉन्गली रोकी टैरियन। और उसके बाद अंदर इसमें रेडियल पैटर्न, ए रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक डोम्स लाइक स्ट्रक्चर। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जब सेंट्रल पीक से यानी कि जो रिवर है वो फ्लो करना शुरू कर देती है, मान लीजिए एक सेंट्रल पीक है ये हमारे पास, ये वाला पार्ट अंदर हुआ भाग यहाँ से, मान लीजिए कि रिवर है यहाँ पे, ठीक है, और इसी अलग अलग दिशा में फैलना शुरू कर देती है, जब ठीक है अलग अलग दिशा में फैलना शुरू कर देगा ना पानी, जब यानी कि उभरे हुए भाग से जब एक रिवर अलग अलग डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देती है, ये सबसे लास्ट पैटर्न है का, दैट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। ये ज्यादातर रेडियल वाला आता है, डेंड्रिटिक पैटर्न वाला करता है, दोनों में भी क्वेश्चन काफी बार एनटीएससी में पूछे जाते हैं। ब्रांच ऑफ ए ट्री, वो कौन सा पैटर्न है जो ट्री की ब्रांच के साथ मिलता जुलता हमें दिखाई देता है, कौन सा पैटर्न याद रखिएगा, डेंड्रिटिक पैटर्न। और उसके बाद रेडियल पैटर्न में याद रखती है, यानी कि अपर पार्ट से जब जो स्ट्रीम्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है, दैट इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी क्वेश्चन पहले भी शायद डाला गया है आपके क्लास वगैरह में, और काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चन बन कर रहेगी आप लोगों पास। ये थोड़ा इसमें आपका चार तरह के पैटर्न होते हैं, इसमें मेनली फोर पैटर्न है इसमें का, तो एक पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को रिमेंबर करना है, पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को रीड करना है वन बाय वन कि कौन सा पैटर्न बनता है, कौन से रिवर सिस्टम को लेकर बन जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, इसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बने करता आप लोगों। उसके बाद इसमें डिटेल स्टडी रहेगा इसमें था हिमालयन रिवर में द फर्स्ट रिवर इज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम दी रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। कहते हैं जो रिवर है हमारी सिंधु नदी है, इंडस नदी है, इंडस नदी के नाम पर इंडिया नाम रखा गया था भारत का, तो जो इंडस नदी है ये तिब्बत नियर लेक मानसरोवर यानी कि तिब्बत मानसरोवर के पास से उत्पन्न होती है, राइज होती है, फॉलोविंग वेस्ट इट एंटरिंग इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स फ्रॉम ए पिक्चरेस्क गॉर्जेस इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरी लाइक द जास्कर, मुंद्रा, श्योक एंड मुंजा ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि जब ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, बड़ा ही सुंदर मनोहारी दृश्य बनाती है, बड़ा ही शानदार मनोहारी दृश्य बनाती है जब ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है भारत में। इट ट्रिब्यूटरी जास्कर, इसकी जो साइड नदी है वो जास्कर है, मुंद्रा है, श्योक है, मुंजा है, ये कश्मीर रीजन में मिल जाती है। द इंडस फ्लो थ्रू बलिस्तान एंड गिलगित एंटी अमर सिद्धि माउंटेन एट अटो दी सतलुज ब्यास रावी चिनाब एंड जेलम ज्वाइन टूगेदर टू एंटर इन इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। कहते हैं उसके बाद मिथानकोट पाकिस्तान में जाने के बाद जो अन्य नदियां बिटा जैसे सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, जेलम है, ये भी इसके साथ मिल जाती है, इसकी सारी नदियां बन जाती है ये भी जाने के बाद।
इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप, टोटल लेंथ की अगर आप बात करें 2900 किलोमीटर बड़ा ये द इंडस इज द वन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लंबी नदियों में हम लोग इंडस नदी को शामिल करते हैं, ठीक है। 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है, लेकिन ज्यादा फ्लो कहाँ करती है, ये पाकिस्तान में फ्लो करती है भाई।